आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देंगे वो OFB ट्रेड अप्रेंटिस वैकेंसी 2019 के बारे में देंगे। तो ITI एंड Non-ITI 456 बैच के लिए आप सभी अप्रेंटिस वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने उन सभी एप्लीजिबल्स एंड अप्लाई कैंडिडेट्स के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जारी करने जा रहा है। तो इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, फॉर्म कब जारी हो रहे हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ऐसी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसी जानकारी के लिए हम आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पे gayatrijobs.com पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डनेंस फैक्ट्री ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे OFB ट्रेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज हैं उनको जल्द जारी करेगा। तो आप सब नॉन ITI एंड ITI कैटेगरीज के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप सब OFB ट्रेड अप्रेंटिस वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन हैं, इनकी डेट्स हैं, क्या वैकेंसी पोस्ट होंगी, जानने के लिए आप सब वेबसाइट के साथ लगातार टच में बने रहें। एंड जो OFB ITI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2019 के नोटिफिकेशंस डिटेल है, डिपार्टमेंट का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री डिफेंस रिसर्च ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑर्डनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर ऑफ OFRC अब्जहरी नागपुर है। एंड इंफॉर्मेशन अबाउट आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, वैकेंसी डिटेल्स ट्रेड अप्रेंटिस हैं, 4805 वैकेंसी है, ITI अप्रेंटिस की 3210 है, पोस्ट नॉन ITI अप्रेंटिस की 1595 पोस्ट हैं। इंपॉर्टेंस डेट, जो द स्टार्टिंग डेट टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से होगी एंड क्लोजिंग डेट टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जल्द अवेलेबल होंगी। तो इसकी डेट जल्द से जल्द हम आपको अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो एज लिमिटेशन है, जो आपको वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो लिमिटेशंस बताई गई हैं वो द एप्लीकेंट शुड बिटवीन 15 to 24 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म। रिलेशन अपर एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से होगा। एंड एजुकेशन और जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी फॉर नॉन ITI कैटेगरी के लिए वो पास माध्यमिक 10th क्लास विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड प्लस 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। एंड फॉर ITI कैटेगरी की पास जो ITI ट्रेड एग्जामिनेशन फॉर्म एनी इंस्टीट्यूट एंड रिकोगनाइज बाई NCVT एंड SCVT एंड पास माध्यमिक 10th क्लास विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड मार्क्स बोथ इन मल्टीकुलेट ITI। एंड जैसे हमने आपको इंपॉर्टेंस लिख एरियाज़ के प्रोवाइड कराए हैं, इस तरह से आप इसके शॉर्ट नोटिस को ओपन करके आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डनेंस फैक्ट्री के लिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, क्वालिफाइंग एज की फॉर कैटेगरी वाइज, नॉन कैटेगरी वाइज, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस की। एंड इस तरह से आप ऑफिशियल लिंक को भी ओपन करके इस वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।